आज साल हो अभी तक नहीं एक दिन मैंने मजाक में कहीं पैसे दे दो क्या तुम निकाल लो। मध्य प्रदेश के सागर जिले का मुख्य बस स्टैंड अब अपराधियों का गढ़ बन गया है। यहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह दिन दहाड़े राह चलते किसी भी व्यक्ति मजदूर के साथ शराब के नशे में लाठी और डंडों से मारपीट कर देते हैं, जिन पर लगाम लगाने में सागर पुलिस नाकाम सी साबित होती नजर आ रही है। सागर की समस्त स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म अब एक ही छत के नीचे न्यू खान ड्रेसेस, जहां आपको मिलेंगी समस्त स्कूल कॉलेज की ड्रेस, वो भी मनचाही फिटिंग और उचित दामों पर। पता याद रखें, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल गली, कबाड़ खाना, नमक मंडी, कटरा। दरअसल सागर के मुख्य बस स्टैंड से एक और रंगदारी की तस्वीर निकल कर सामने आई है, जहां एक गरीब मजदूर हाथ ठेले वाले को अपने ही पैसे मांगना इतना महंगा पड़ा कि पैसे मांगने पर आरोपियों ने उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट कर उसे गंभीर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि यह गरीब व्यक्ति, जिसका नाम इकबाल है, जो बस स्टैंड पर हाथ ठेले पर कपड़े बेचा करता है, वह रोज की तरह कपड़े की दुकान लगाए हुए था। तभी आरोपी अनीस और उसका पुत्र अरबाज वहां आया और इस गरीब ठेले वाले ने जैसे ही उनसे अपने पुराने पैसे के बारे में बातचीत की तो आरोपियों ने उसके साथ जमकर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में मेडिकल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। 3000 रुपए के जिम में तो मैं डंडा मारा था, पीछे से पैसे लगा दिए, पीछे से मैं डंडा मारा था, लड़के ने मारा, अरबाज नाम उसका, उसका एक छोटा लड़का भी है, वो भी आ रहा था मारने के लिए, मैं अकेले लगा जे कह रहा था उससे, मैंने पैसे मारे थे पिछले वाले 12,500 रुपये थे पिछले, 5 साल हुए अभी तक नहीं, एक दिन मैंने मजाक में कहीं पैसे दे दो क्या तुम निकाल लो बाद में देखो। फिलहाल घायल युवक ने गोपालगंज थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की तलाश और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।